इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रहा बिहार पुलिस महकमे से, जहां सिटी एसपी की पदभार संभालने वाली काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने चिट्ठी सीधे तौर पर पुलिस मुख्यालय को भेज दी। काम्या मिश्रा अचानक से उन्होंने यह फैसला लिया और जब जानकारी निकल के सामने आई तो बताया गया कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। फिलहाल वो दरभंगा में पोस्टेड थी, तैनात थी और हाल ही में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के मौत की जो गुत्थी थी उसे सुलझाने में वो जुटी हुई थी। लगातार दबाव था। इस बीच काम्या मिश्रा का कई सारा बयान सामने आया था जिसके बाद हाई प्रोफाइल मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा किया गया था। काम्या मिश्रा मौके वारदात पर पहुंची थी और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी किया था और बताई थी कि इस घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से पुलिस की एक्टिविटी है। और इस बीच एक तरफ जांच ही चल रहा था कि दूसरे तरफ काम्या मिश्रा ने आज अचानक अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। अब चर्चा यह है कि काम्या मिश्रा ने जो इस्तीफा भेजा है इसके पीछे उन्होंने अपने पत्र में, अपनी चिट्ठी में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। काम्या मिश्रा पहले जो ट्रेनी आईपीएस थी तो पटना और आसपास के जगहों पर उनको तैनात किया गया था। पटना के सचिवालय में वो काफी दिनों तक रही और यहाँ पे पटना में वो काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। पटना के आसपास के इलाके में उनके काम की खूब चर्चा हुई थी, काफी प्रशंसा हुई थी महकमे में। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय की तरफ से उन्हें पुरस्कृत करते हुए दरभंगा में तैनात कर दिया गया। दरभंगा की कमान संभालते हुए काम्या मिश्रा ने अपने कार्यकाल में बेहद छोटे से कार्यकाल में बेहतर परफॉर्मेंस कर रही थी और अचानक 15 अगस्त की जहां तैयारी चल रही है उसके ठीक पहले काम्या मिश्रा जो आईपीएस हैं उन्होंने अपना इस्तीफा विभाग को भेज दिया है। हाल ही में कहा जाता है कि काम्या मिश्रा काफ़ी संपन्न परिवार से आती हैं, उनके बारे में पहले भी कई प्रकार की खबरें चलती रही हैं। काम्या मिश्रा को लेकर ये कई सारी बातें चलती रही है। काम्या मिश्रा पुलिसिंग के लिए, बेहतर पुलिसिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अब तक जिस जो भी जिम्मेवारी उनको सरकार की तरफ से दी गई थी या मुख्यालय की तरफ से जो जिम्मेवारी उनको मिली है उसको उन्होंने बेहतर तरीके से निर्वहन किया है। उन तमाम जो आदेश है उसका पालन उन्होंने किया था, लेकिन अचानक काम्या मिश्रा के इस्तीफे की जो खबर निकल के सामने आ रही है इस खबर के बाद पुलिस महकमे और उनके साथ काम करने वाले जो मातहत अधिकारी हैं वो शॉक्ड हैं। खुद दरभंगा के अंदर से जैसे इस बात की जानकारी निकल के सामने आई हर कोई हैरान है कि अचानक क्या कुछ हुआ कि पुलिस महकमे में इस तरीके से आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा मुख्यालय को भेज दिया। अब देखना है कि मुख्यालय की तरफ से इस पत्र के जवाब में क्या कुछ आदेश आता है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय से अब तक कोई भी स्पष्टीकरण या इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।